फूलों का देवता। ये दंत कथा है बायामी की, सृष्टि की महान आत्मा जो ऑस्ट्रेलिया की हंटर वैली के लोगों की रक्षा करता था। बायामी बाकी सारे आत्माओं के साथ योजना बनाता और बदले में लोग उसे पसंद और उसकी इज्जत करते। दादी माँ, बायामी के हाथ इतने लंबे क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि वो अपनी जमीन और उसमें रहने वाले लोगों से बहुत प्यार करता है। और इसकी आंखें कितनी बड़ी हैं? क्योंकि यहाँ जो कुछ होता है वो सब देखता है, हर तरह का सुख और दुख, उससे कुछ नहीं छिपता। सच में वो सब कुछ देख सकते हैं? हाँ, जब तुम ज्ञानी लोगों से शहद चुराते हो वो भी। आपको पता था? ज्ञानी लोग या वायरिनन काफी विद्वान लोग थे जो प्रकृति के तौर तरीकों को बाकियों से अच्छी तरह जानते थे। उन्हें वैद्य भी कहा जाता था। वो लोगों की मदद करते और लोग उनकी इज्जत करते। अब बायामी वादियों की देखभाल कई सालों से करता आ रहा था और अब वो थक चुका था। अब मुझे आराम करना चाहिए। शाम को उसने वादी का निरीक्षण किया। कुछ लोग बाहर थे जो काम कर रहे थे। इस खेत को ठीक से क्यों नहीं बोया गया? वो आगे बढ़ा, उसे झगड़े की आवाज सुनाई दी। तुम खेत के उस हिस्से को नहीं बोगी? माँ, महान आत्मा के होते हुए हमें आगे जिंदगी में किसी चीज की तकलीफ नहीं होने वाली। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? उसने हमारे लिए बहुत किया है, कम से कम हमें उसके आशीषों की तो देखभाल करनी चाहिए। अरे घबराइए मत, बायामी हमारे लिए कर लेंगे। ये सुनकर बायामी सत्ते में आ गया। आगे भी उसे यही सब सुनने को मिला। बेटा, जरा मुर्गियों को खाना खिलाओगे? अरे अरे रहने दो, महान आत्मा कर लेंगे। कर लेंगे? लोगों को बायामी के एहसान की इतनी आदत हो चुकी थी कि वो चाहते थे वो उनके लिए सब कुछ करे। अच्छा, तो अब ये नौबत आ गई है, ठीक है। अगले दिन उसने लोगों को बताया कि वो जा रहा। वक्त आ गया है कि मैं यहाँ से जाऊँ और आराम करूँ। लोग बहुत उदास हो गए। उन्होंने उसे पवित्र पहाड़ पर जाते देखा। अब बात ये थी कि लोगों को लगता था कि वो उनके लिए पर्याप्त छोड़कर गया है और करने के लिए कुछ नहीं। चलो बच्चों, खेत बोने में मेरी मदद करो। माँ रहने दीजिए, मैंने कहा ना, महान आत्मा का जादू ये सब कर देगा। पर वो अब यहाँ नहीं है। तुम किस जादू की बात कर रही हो? वैसे उन्होंने थोड़ा बहुत जादू छोड़ा होगा, वो हम मामूली इंसानों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मामूली? हम मामूली नहीं हैं। हम अपना काम खुद कर सकते हैं और हर एक चीज के लिए बायामी पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। कुछ भी। देश भर में लोगों को लगता था कि बायामी ने काम पूरा करने के लिए कोई जादुई तरीका छोड़ा होगा। तुम ज्यादा पेड़ काट रहे हो, इसके बदले में नए पौधे लगाए हैं तुमने। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, वो अपने आप उग जाते हैं ना, बायामी हमारे लिए सब कर देगा। कुछ हफ्तों बाद पेड़ पौधे मुरझाने लगे। ये फल सब खराब हो गए। उनकी आंखों के सामने मैदान धीरे धीरे साफ हो गया। क्या यहाँ क्या हो रहा है? जंगल सूखने लगा और इसकी वजह से लोगों की आमदनी कम होने लगी। आसपास की हरियाली मिटने लगी। धरती से मानो रंग ही उड़ गया था। ना हवा में खुशबू बची और ना ही शहद। क्योंकि बायामी ने मैदानों को फूलों से सजाया था, उसकी वजह से मधुमक्खियाँ फूलों से शहद बनाती थी। पर अब हमें वायरिनन से मिलना होगा। हाँ,
बिल्कुल सही कहा, वो इसे ठीक कर सकते हैं। वो वायरनन के पास गए और उन्होंने देखा कि वहाँ भीड़ जमा है। हाँ, जानता हूँ तुम्हें शहद चाहिए और उसे बनाने के लिए मुझे फूल और मधुमक्खी चाहिए। अरे उनके बिना कोई सेचन, कोई पौधे नहीं, कोई दवाई नहीं। तुमने अपनी मधुमक्खियों का ख्याल क्यों नहीं रखा? क्या तुम्हें अपने फूलों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था? चाहे जो भी हुआ हो उसे ठीक करना चाहिए। प्लीज ज्ञानी लोगों, बायामी ही हमारी आखिरी उम्मीद है और सिर्फ तुम लोग ही उस तक पहुंच सकते हो। हम? तुम्हारा मतलब है पवित्र पहाड़ चढ़ना होगा? सिर्फ यही एक रास्ता है, तैयार हो जाओ, चढ़ाई लंबी होगी। ओह, वो चढ़ाई लंबी होने वाली है। मैं तुम्हारे लौटने तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगले दिन तीनों वायरनन हिम्मत जुटाकर पहाड़ चढ़ने लगे। हम महान आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। मुंह बंद रखो। शायद हमें तुम्हारी मधुमक्खियाँ मिल जाएं जो तुमसे तंग आकर भाग गई थी। रहने दो, वैसे भी तुम्हें सिर्फ अपनी प्रेमिका की ही परवाह है। बीमारों के बदले तुम सारा फूल उसी पर इस्तेमाल कर देते। ये तुम्हारी जलन है, उसने कहा वो मेरा इंतजार करेगी। चढ़ाई बहुत कठिन थी और उसमें 4 दिन लग गए। वो ऊपर बादलों को देख सकते थे। आत्माएं वही आराम करती हैं। कोई इंसान वहाँ आज तक नहीं जा पाया। सवाल ये है, हम जा पाएंगे? जवाब है जाना होगा। जैसे ही वो आगे बढ़े, ठंड बढ़ती गई, पर वो आगे बढ़ते रहे और अचानक एक बादल ने उन्हें घेर लिया। ओह, दिखाई नहीं दे रहा। मुझे भी नहीं। उन्हें ऊपर की तरफ ले जाया गया और वो स्थिर हो गए। बादल साफ हुए और सामने बायामी खड़ा था। महात्मा, बहुत ही कम लोग पवित्र पहाड़ पर आ पाए हैं। ठंड को बर्दाश्त करके बहुत कम लोग आ पाते हैं। यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने बायामी को सब कुछ बताया और बताते समय उसकी आंखें चमचमाने लगी। और अब तुम मेरी मदद मांगने आए हो। एक बात बताओ, जो मैंने तुम्हें पहले से ही दिया था उसे संभाल कर क्यों नहीं रखा तुम लोगों ने? इसके बजाय यहाँ इतनी दूर इस खतरनाक रास्ते से आने की क्या जरूरत थी? तीनों शर्मिंदा होकर एक दूसरे को देखने लगे। ये सच है कि उन्हें आराम की जिंदगी की आदत हो चुकी थी। हमें माफ करना महान आत्मा, हमारी मदद कीजिए। वो बगीचा देख रहे हो? जो लेना है ले लो, लेकिन तुम्हें खुद मेहनत करके लेना होगा। वायरनन हैरान थे। उनके सामने एक बहुत विशाल बगीचा था। उसमें हर तरह के पौधे थे, फल, सब्जियां, अनाज, फूल। ये कितना विशाल है, हमें जो चाहिए वो हमें कैसे मिलेगा? जवाब है, हमें करना होगा। वो सिर्फ जरूरत की चीजें चुनने लगे। प्रत्येक के सिर्फ एक या दो, ज्यादा नहीं लेना। जब वायरनन सफर पर निकले थे, उन्होंने नहीं सोचा था कि ये सब उन्हें ही करना पड़ेगा। वो अपने साथ टोकरी या कपड़ा नहीं लेकर आए थे। हम इन्हें कैसे लेकर जाएंगे? उनमें से एक ने अपने कपड़े का एक लंबा टुकड़ा फाड़ा। इससे कुछ नहीं होगा, हमारे पास जो भी है उससे काम चलाना होगा। हम अपनी ही गलती की वजह से यहाँ पर हैं और हमें ही उसे सुधारना होगा। उन्होंने जितना हो सका पौधों को तोड़कर इकट्ठा किया। अब बगीचे में बायामी का जादू था, इसलिए कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा गर्मी थी और कुछ जगह ठंड ज्यादा थी। शुक्रिया। लेकिन इतनी मुसीबतों के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें अपनी बंजर जमीनों और मजबूर लोगों का ख्याल आया और इससे उन्हें हिम्मत मिली और बायामी चुपचाप देखता रहा। आखिर में जितना उन्हें चाहिए था उन्होंने इकट्ठा कर लिया और अब किसी तरह उन्हें वापस नीचे उतरना था। हमें तो ये भी नहीं पता कि महान आत्मा हमें कितनी ऊंचाई पर लाई है। पर... घबराने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुद नीचे लेकर जाऊंगा, तुम इसके लायक हो।
स्वामी और ज्ञानी लोग एक बड़े से बादल पर बैठकर नीचे उतरे। जैसे ही वो सामने आए, उन्होंने देखा कि जमीन खाली दिखाई दे रही थी। लोगों की आंखें पीली पड़ चुकी थी और चेहरे मुरझा गए थे। उनकी हालत खराब थी। महान आत्मा, ज्ञानी लोग, आप सब आ गए। मेरी जान। अरे नहीं, तुम्हें क्या हो गया? लोग ताकत न होने की वजह से बायामी के सामने झुक गए। ये देखकर बायामी उदास हुआ। इस उम्मीद में कि मैं आप लोगों के लिए सब कुछ करूं, ये गलत था। देखो अब क्या हाल हो गया है तुम सबका। मुर्गियों को खाना खिलाने के लिए तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? बस कीजिए पिताजी। नहीं, चारा खिलाने में तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए थी। तराई की देखभाल करना आप सबकी जिम्मेदारी थी। मैं फूल और पेड़ बना सकता हूँ, लेकिन आप लोग मुझ पर निर्भर नहीं हो सकते। हमें माफ करना महान आत्मा, हम कुछ ज्यादा ही निर्भर और आलसी हो गए थे। तुम्हें समझ आया, ये काफी है। मैंने तुम लोगों को अपनी गलती सुधारते हुए देखा है। अब से तुम सब हमेशा ऐसा ही करो। बायामी ने कुछ फूलों को उड़ाया और हवा को आदेश दिया कि वो उन्हें सब जगह फैला दे। फिर उसने लोगों को देखा। जाओ और जमीन को सींचो, उसका ख्याल रखो और फिर से कटाई करो, लेकिन इस बार ये तुम्हारी मेहनत से होगा। लोगों ने बायामी के सामने नमन किया और वो वापस आकाश की तरफ चला गया। नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर आया। जैसे ही सूर्योदय हुआ और आकाश रोशन हुआ, लोग बीज बोने और फूल लगाने के काम में लग गए। उन्होंने पौधों को पानी दिया और उसका अच्छे से ख्याल रखा। इसमें समय, मेहनत और बहुत सब्र लगा, पर मेहनत रंग लाई। मैदान फूलों से हरा भरा हो गया और उस पर मधुमक्खियां बिन बिनाने लगी। आखिरकार अब चलो सबको ठीक किया जाए। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। हो है। मुझे तो खुशबू आने लगी है। जंगल एक बार फिर से खिल गया और घाटी फिर से हरी भरी और सुंदर दिखने लगी। उफ, हाँ? लोगों ने सबक सीखा कि किसी पर निर्भर रहना अच्छी बात नहीं है। हम सबको अपनी जिम्मेदारियां खुद निभानी चाहिए और हमें धीरे धीरे इस दुनिया को बेहतर और सुंदर बनाना है।